हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। मेरे सामने एक सल्फर का सैंपल है। आपको क्या लगता है इस सैंपल में कितने एटम्स होंगे? आप ये कहेंगे कि हम एटम्स देख ही नहीं सकते हैं, तो उनका नंबर कैसे पता लगेगा? वेल, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे कि एक पेयर ऑफ सॉक्स में दो सॉक्स होते हैं और एक डजन बनाना में 12 बनानास होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में एक यूनिट होती है मोल, जिससे हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं। मोल वो फरी एनिमल नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। 1 mole इज इक्वल टू 602 हेक्सिलियन थिंग्स। इससे हम 6.022 into 10 to the power 23 भी लिख सकते हैं। ये नंबर कैसे आया, ये हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 mole of cupcakes हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 cupcakes हैं। इसी तरह अगर मेरे पास 1 mole of atoms हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 atoms हैं। Simple, right? इसी तरह 1 mole of molecules में 6.022 into 10 to the power 23 molecules होते हैं। इस नंबर को Avogadro's नंबर कहते हैं। ये नाम इटालियन साइंटिस्ट अमीडियो कार्लो Avogadro के सम्मान में रखा गया था। इसे Na और NO भी बोलते हैं। ये नंबर काफी स्केरी लगता है ना? देखते हैं ये नंबर एक्चुअली कितना बड़ा है। अब इमेजिन करो कि आपके बैंक अकाउंट में 6.022 into 10 to the power 23 डॉलर्स है। अगर आप 1 billion डॉलर्स पर सेकंड भी स्पेंड करें, तो आपको ये सारा अमाउंट स्पेंड करने में 19 मिलियन ईयर्स लगेंगे। आई विश मैं इतनी अमीर हो जाऊं किसी दिन। ओके, मोल पर वापस आते हैं। अब अगर कोई मुझसे 1 mole ऑफ कार्बन एटम्स मांगे, तो क्या मैं बैठकर सारे एटम्स काउंट करूंगी? पहले तो हमें एटम्स दिखते नहीं हैं, और अगर वो हमें दिखें भी, तो इतना बड़ा नंबर काउंट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे ही 1 mole ऑफ डोनट्स काउंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम उन्हें काउंट करने लगे, तो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि 1 mole of donuts 10 million grams के बराबर है, तो it becomes super easy, right? तो हम simply donuts को weigh करके बता सकते हैं कि हमारे पास कितने donuts हैं। हमें उन्हें count करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफी ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब ये कि हम मोल को मास के साथ में relate कर सकते हैं। हमें पता है कि कार्बन के एक एटम का मास 12 amu होता है। तो 1 mole या 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली 12 amu और 6.022 into 10 to the power 23 को मल्टीप्लाई करना होगा। हमें पता है कि 1 amu is equals to 1.67 into 10 to the power minus 24 grams। तो जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 1 आंसर मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि C12 के 1 mole का मास 12 ग्राम्स होता है। जब भी आप ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये कि एटॉमिक मास और मोलर मास न्यूमेरिकली इक्वल है, सिर्फ उनका यूनिट AMU से ग्राम हो जाता है। तो अगर हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स को वे करें, तो हमें 1 mole ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। इसी तरह अगर मुझे 1 mole ऑफ सल्फर एटम्स चाहिए, तो मैं सिंपली सल्फर का एटॉमिक मास देख सकती हूँ। जैसे हमने देखा कि एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 mole ऑफ सब्सटेंस न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, तो अगर मैं 32 ग्राम ऑफ सल्फर वे करूँ, तो मुझे 1 mole ऑफ सल्फर एटम्स मिलेंगे। हाँ, सल्फर एटम्स कार्बन एटम से हैवियर होते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना कि इतना बड़ा नंबर 6.022 into 10 to the power 23 इतने छोटे से वेसल में फिट हो गया। वेल, एटम्स इतने ही छोटे होते हैं। कार्बन के 1 mole ऑफ एटम्स का मास है 12 ग्राम्स। इसी तरह 1 mole या 6.022 into 10 to the power 23 सल्फर एटम्स का मास है 32 ग्राम्स। इसे हम मोलर मास कहते हैं।
अब किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 2 AMU होता है। मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम्स है। इसे भी मोलर मास ही कहते हैं। तो मोलर मास को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एटम का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट चेंज होता है फ्रॉम यू टू जी। इसे हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसी तरह जब हम मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका भी यूनिट चेंज हो जाता है फ्रॉम यू टू जी, और इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब अगर मैं आपको एल्यूमिनियम का मोलर मास कैलकुलेट करने को कहूँ तो आप क्या करोगे? आप पहले उसका एटॉमिक मास पता लगाएंगे और फिर उसका मोलर मास आपको मिल जाएगा। और इस 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम में 6.022 × 10³ एटम्स होते हैं। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब आपके लिए बहुत फेमिलियर हो जाएगा, बिल्कुल डजन या बाइट की तरह। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10³ नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कोई भी दूसरी एंटिटी। 6.022 × 10³ को एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसका मोलर मास होता है। मोलर मास न्यूमेरिकली एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ एटम्स के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू सून।